नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हम उस महिला की प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महिला अपने प्रेमी को पाने के लिए बिना वीजा ही सरहद को पार कर जाती है। आज हम उस महिला की प्रेम कहानी की गाथा सुनाने वाले हैं जो महिला यह साबित कर चुकी है कि दो देशों के बीच में सरहद होती है, दो दिलों के बीच में नहीं। ये कहानी है सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान की रहने वाली है और बिना वीजा ही वो हिंदुस्तान में चली आती है जहां उसका प्रेमी रहता है। महिला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो महिला ही है, कोई कुंवारी नहीं है, वो चार बच्चों की माँ है। चलिए अब हम इस पूरी कहानी को आपको विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत की रहने वाली है सीमा हैदर, जिसकी शादी 2014 में गुलाम हैदर से हो जाती है और उसके बाद से वो अपने पति के साथ रहने लगती है और 2020 तक उसे चार बच्चे भी हो जाते हैं। आज उसकी शादी को लगभग 2023 है, 9 साल हो जाते हैं। 2020 में उसका पति जो है वो सऊदी अरेबिया चला जाता है कमाने के लिए और 2020 में ही कोरोना का समय भी शुरू हो जाता है। उसके बाद से अब ज़्यादातर जो लोग थे वो अपने घरों में बंद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मोबाइल ही उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन रह जाता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। अब जो सीमा हैदर है वो अपने घर पे ही अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिना पति तनहा रहने लगती है और उसके बाद से वो ऑनलाइन गेम वगैरह खेलने लगती है। गेम खेलते खेलते वो उसको जो है वो पबजी गेम भा जाता है और पबजी गेम पे ही उसकी मुलाकात होती है सचिन नाम के एक युवक से और उससे वो बातचीत करने लगती है। अब बातचीत के दौरान ही उसे यह पता चलता है कि ये जो लड़का है वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, लेकिन बातचीत के दौरान ही इन दोनों में प्रेम भी हो जाता है और हमेशा बातचीत लगभग होने लगता है। समय दर समय गुजरता जाता है, कोरोना काल भी चला जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम जागृत हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए पूरी तरीके से आतुर हो जाते हैं। 2023 के मार्च महीने में, यानी इसी साल के मार्च महीने में जो है वो सीमा सचिन से बात करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, किसी न किसी तरह से मिलना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान से डायरेक्ट हिंदुस्तान आ पाना पूरी तरीके से, एक तरह से कहा जाए तो ये नामुमकिन है। लेकिन जो सीमा है वो पाकिस्तान से नेपाल चली आती है काठमांडू में मार्च के महीने में 2023 में और वहाँ पे सचिन जो है वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। सचिन जो है वो नोएडा का रहने वाला है। अब वहीं काठमांडू में ये दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद ये लोग लगभग 6-7 दिन एक होटल में रहते हैं और जो इनका प्रेम है और भी परवान चढ़ जाता है इसी बीच। और उसके बाद से 7-8 दिन साथ रहने के बाद से जो सीमा है वो फिर से ये दोनों जुदा हो जाते हैं और जो सीमा है वो पाकिस्तान चली जाती है और सचिन जो है वो हिंदुस्तान चला आता है, लेकिन इस वादे के साथ कि हम दोनों अब एक साथ ही जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। सीमा पाकिस्तान चली जाती है। अब वहाँ से हिंदुस्तान आने के लिए डायरेक्ट कोई किसी प्रकार का कोई साधन नहीं होता है, वहाँ पे जो है वो पूरी तरीके से बेचैन होती है सीमा अपने प्रेमी से मिलने के लिए और इधर जो उसका प्रेमी होता है वो भी उससे मिलने के लिए पूरी तरीके से आतुर होता है। अब सीमा जो है पाकिस्तान पहुँच कर तरह तरह के लोगों से पूछती है कि आखिर मैं हिंदुस्तान कैसे पहुंच सकती हूं, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान पहुंचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों देशों की जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है, काफ़ी तनावपूर्ण है और ये बात काफ़ी हद तक सत्य भी है।
अब सीमा के पास जो है वो पैसे की भी स्थिति सही नहीं रहती है, लेकिन वो अपना ज़मीन भी वहाँ पे बेच देती है और बेचने के बाद से वो एक ट्रेवल एजेंट से संपर्क करती है और ट्रेवल एजेंट भी बताता है कि वहाँ पे जाने के लिए पहले तो पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद से वो अपने चारों बच्चों की पासपोर्ट बनाती है। सीमा के पास ऑलरेडी पासपोर्ट होता है, लेकिन वो अपने चारों बच्चों की पासपोर्ट बनवा लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का, भारत का वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वो ट्रैवल एजेंट बताता है कि इधर उधर भटकने से बेहतर है तुम यहाँ से नेपाल चली जाओ और नेपाल के रास्ते तुम हिंदुस्तान जा सकती हो पूरी तरीके से आसानी के साथ। अब सीमा जो है वो नेपाल तक तो आई हुई थी, लेकिन वो हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुई थी। सीमा सचिन से बात करती है। सचिन कहता है कि अगर तुम नेपाल आ जाती हो तो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में आना आसान होता है, उतना कोई मुश्किल नहीं होता है, उतना कोई चेक वगैरह भी नहीं होता है। 2023 मई का महीना होता है। सीमा अपने चारों बच्चों को लेती है, जरूरी कागजात वगैरह सभी ले लेती है, अपनी शादी वगैरह का कुछ फुटेज भी ले लेती है, यानी जो ज़रूरी सामान थी वो ले लेती है और वो पाकिस्तान से काठमांडू आ जाती है नेपाल में, और नेपाल से नेपाल के रास्ते वो यूपी में चली आती है और फिर वहाँ से वो ग्रेटर नोएडा सचिन के पास पहुँचती है और सचिन जो है वो बस स्टॉप पे उसका इंतज़ार कर रहा होता है। हालांकि जो सचिन है वो पहले ही अपने घर वालों को इन सभी बातों की जानकारी दे चुका था कि इस तरह की बात है, एक पाकिस्तान की महिला है जिससे मैं प्यार करता हूं और उसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। जब उसके गार्जियन जो है वो पाकिस्तान का नाम सुनते हैं और महिला का नाम सुनते हैं, साथ में चार बच्चों को सुनते हैं, तो किसी न किसी तरह से एक्सेप्ट करने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन की वजह से उसके माँ बाप जो है वो कहीं ना कहीं मान जाते हैं। अब जब सीमा बस स्टॉप पे पहुंचती है, सचिन वहां पे मौजूद होता है और वो एक अलग किराए पे रूम ले रखा होता है जहां पे वो उसे सीमा हैदर को लेकर चला जाता है और साथ में उसके चार बच्चे भी होते हैं। अब यहाँ पे जो सचिन के पिता हैं वो कहते हैं कि इस तरह से शादी करने से आगे हो सकता है कि कोई ना कोई कानूनी पिछड़ा इसमें आ सकता है, इसलिए तुम किसी वकील वगैरह से राय ले लो। ये सचिन को वो सलाह देते हैं, सचिन के पिता। अब सचिन जो है वो क्या करता है कि वो जाता है एक महीने के बाद, यानी जुलाई के महीने में जो महीना अभी चल रहा होता है, वो जाता है और एक वकील से राय लेता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है हमारे साथ, जो महिला है वो पाकिस्तान की है, उसके साथ चार बच्चे भी है और हम उससे शादी करना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ये किस तरह से संभव हो पाएगा। जब वह वकील पाकिस्तान का नाम सुनता है तो कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाता है और वहीं से ये बात लीक हो जाती है, यानी वकील से ये बात लीक हो जाती है और बात लीक होकर कहीं ना कहीं पुलिस तक पहुंच जाती है। जब यह बात पुलिस तक पहुंचती है तो यूपी पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और वो सचिन के घर पे पहुंच जाते हैं और सचिन, सीमा और उसके चार बच्चों को वो यूपी पुलिस हिरासत में ले लेते हैं। काफ़ी उन लोगों से पूछताछ होती है, हालांकि जो सीमा हैदर है वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट था, जो भी सबूत था, वो सब दिखाती है। वो बोलती है कि इस तरह की बात है, हम इनसे प्यार करते हैं और प्यार में शादी करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम यहाँ से वीज़ा मिलना, पाकिस्तान से वीज़ा मिलना हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम नेपाल के रास्ते यहाँ पर इंडिया में आ गए हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब जो पुलिस है वो पूरी तरीके से हिरासत में रखकर जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद से पुलिस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसकी बातों में सच्चाई है। अब इसमें पहले भी ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान से लड़कियां जो है यहाँ पे जासूसी करने के लिए आती जाती रहती है, इसलिए यूपी पुलिस है वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अब सीमा से और सचिन से सही ढंग से वहाँ पे मुझे लगता है कि उनको 2-3 दिन हिरासत में रखते हुए पूछताछ करने के बाद जब पुलिस पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाती है, उसके बाद से जहाँ तक अभी तक की जानकारी है उनको रिहा कर दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि आप दोनों को जब भी बुलाया जाए तब आप दोनों को थाने में आना पड़ेगा।
फिलहाल की परिस्थिति में अभी यहीं तक ये मामला पहुंचा हुआ है। कानूनी शादी होती है इन दोनों की अभी तक नहीं हुई है और मामला अभी फंसा हुआ है। हालांकि इन दोनों को जो है यूपी पुलिस, जो नोएडा की पुलिस है, वो रिहा कर दी है इस शर्त पे कि आप दोनों को जब भी बुलाया जाए तब आप लोगों को आना पड़ेगा और अपने भी स्तर से जो है पुलिस है वो जांच कर रही है। तो इस तरह से है ये पूरा कहानी। अब इसमें आगे क्या होगा, अब आगे की इसमें कोई जानकारी नहीं है कि क्या ये दोनों मिल पाएंगे। हालांकि जो सीमा है वो भी शादीशुदा है, जो सचिन है वो अनमैरिड है, कुंवारा है, तो उसका तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो सीमा है वो शादीशुदा है, जो उसका पति है सऊदी अरेबिया में रह रहा है, कहीं ना कहीं उसे पता चलेगा तो वो भी दावा करेगा कि भाई इस तरह की मामला है, ये हमारी पत्नी है। तो अब इसमें आगे देखने वाला होगा कि अब इसमें जो सरकारों का भी मामला है, दो देशों का मामला है और दो दिलों का भी मामला है। ये लोग दोनों मिल तो गए हैं लेकिन अब कानूनी पेचड़ा कहाँ तक इनका पीछा करता है और कहाँ तक छोड़ता है, ये आने वाले समय में हम आप सभी को फिर से सूचित करेंगे कि आखिर इन दोनों का क्या होता है। हालांकि जो सीमा की उम्र है वो 28 साल है और सचिन की जो उम्र है वो 23 साल है, और सचिन जो है वो नोएडा यूपी नोएडा का रहने वाला है और सीमा जो है वो पाकिस्तान की रहने वाली है। अब इसमें देखना होगा कि आगे क्या ये दो दिल मिल पाते हैं या फिर कानूनी पेचड़े में फंसकर कहीं ना कहीं इस प्रेम की दुर्गति लग जाती है। तो आगे अब जैसे भी इसमें हमें कुछ सूचना मिलेगी हम आप सभी को सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।